नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारतीय नौसेना सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली बनने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के बाद अब भारत में इसी साल कलवरी क्लास की 3 सबसे आधुनिक स्वदेशी सबमरीन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फ्रांस के साथ 3 स्कॉर्पियन सबमरीन की डील भी तकरीबन फाइनल हो गई है। नौसेना के साथ साथ वायुसेना और थल सेना को भी सबसे आधुनिक बनाया जा रहा है। लेकिन भारत के दोनों दुश्मन समंदर में भारत के शस्त्र पूजन से तनाव में आ गए हैं, इसलिए आज देखिए ईर्ष्या में जला बीजिंग मेक इन इंडिया सबमरीन। कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है विक्रांत। Two aircraft carrier. Bara vidhvansak jahaz. Tera frigates. 24 corvette. 150 se zyada jangi jahaz. सो प्लस एयरक्राफ्ट, और 18 सबमरीन। यह भारत की वो समुद्र शक्ति है जिससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नेवी है। भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिक हो रही है। लक्ष्य है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जिस देश के पास जितनी ज्यादा आधुनिक सबमरीन, उसकी नौसेना उतनी ज्यादा शक्तिशाली। इक्कीसवीं सदी में नौसेना की ताकत का यही पैमाना है। नंबर 1 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नौसेना की सबसे बड़ी नेवल ताकत को तेजी से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय नौसेना को 3 सबसे आधुनिक सबमरीन मिलने वाली है। ये तीनों पनडुब्बियां कलवरी क्लास की होंगी और इसी साल
इन तीनों पनडुब्बियों पर काम शुरू हो जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए ये तीनों स्वदेशी अटैक सबमरीन मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाई जाएंगी। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। नया भारत समंदर में चीन की विस्तारवादी साजिश को नेस्त नाबूद करने की तेजी से तैयारी कर रहा है। भारत समुद्र में नए नए व्यू बना रहा है, नए नए जल योद्धाओं और सबमरीन किलर्स को नौसेना में शामिल कर रहा है। कलवरी क्लास सबमरीन इसी तैयारी का हिस्सा है। कलवरी क्लास पनडुब्बियों को शामिल करने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन समंदर में अपना सिर उठाने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। अब देखिए भारतीय नौसेना को जो नई पनडुब्बियां मिलने वाली हैं वो कैसी होंगी। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बियां हैं, लेकिन इसी क्लास की नई बन रही तीनों सबमरीन इनसे ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा रेंज वाली, ज्यादा बड़ी और ज्यादा एडवांस होंगी। नई कलवरी श्रेणी की तीनों पनडुब्बियां पिछली पनडुब्बियों से आकार में 10 मीटर बड़ी होंगी। इसमें लिथियम आयन बैटरी लगाई जाएंगी। नई पनडुब्बियों में सबसे आधुनिक नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे और ये सभी पूरी तरह स्वदेशी होंगे। नई बनने जा रही तीनों सबमरीन में दुश्मन के रडार को धोखा देने की ताकत होगी। ये पनडुब्बियां मल्टीटास्किंग कर सकेंगी, यानी एक ही वक्त में पूरे इलाके की निगरानी कर सकेंगी, दुश्मन की जासूसी कर सकेंगी और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के युद्ध पोतों को ध्वस्त भी कर देंगी। इसमें एडवांस एकॉस्टिक साइलेंसिंग तकनीक लगाई जाएगी, यानी पानी में चलते समय इसे किसी तरह की कोई आवाज नहीं आएगी। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। इस महामंत्र के साथ भारत ने सर्वशक्तिमान बनने के लिए समंदर में मजबूत पैर जमा दिया है। भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिक, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती जा रही है। लगातार सशक्त हो रही है, हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है, हमारा हमारे शिपयार्ड बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पर्टी का माहौल तैयार करने के लिए। चीन जैसे समुद्री चालबाज से मुकाबला करने के लिए तीनों तरफ समुद्र से घिरे हमारे देश की नौसेना को किसी भी वक्त कम से कम 24 आधुनिक पनडुब्बियों की जरूरत है। भारतीय नौसेना के पास आज INS अरिहंत को मिलाकर फिलहाल 18 सबमरीन है, लेकिन इनमें से 10 पनडुब्बियां 30 साल से ज्यादा पुरानी है और रिटायर्ड होने के करीब पहुंच गई है, इसलिए भारत को तुरंत सबसे आधुनिक सबमरीन की जरूरत है। इसलिए भारतीय नौसेना को आधुनिक बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। एक तरफ भारत में पूरी ताकत के साथ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, स्वदेशी युद्धपोत और स्वदेशी सबमरीन विकसित की जा रही है, दूसरी तरफ नेवल वॉरफेयर की सबसे आधुनिक वॉर मशीनें खरीदने की डील भी तेज हो गई है। July 14, 2023 पेस्टल डे परेड समारोह फ्रांस।
पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी बेस्टल डे परेड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। पहली बार फ्रांस में भारत की तीनों सेनाओं ने परेड की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्राइवेट डिनर होस्ट किया और यही दुनिया की सबसे आधुनिक सबमरीन में से एक स्कॉर्पियन सबमरीन की डील पर बात बन गई। नई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में दुनिया के सबसे आधुनिक रडार और सर्विलांस सिस्टम है, इसलिए इसका इस्तेमाल खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए किया जाता है। भारत के पास इस समय 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां हैं। फ्रांस के साथ 3 और सबमरीन की डील कंफर्म होने के बाद इसकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पानी के भीतर समुद्री सुरंग बिछाने में सक्षम है। इसकी मदद से बड़ी आसानी से समंदर की गहराई में एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगाया जा सकता है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 350 फीट की गहराई तक जा सकती है और 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में 8 सैन्य अधिकारी और 35 नाविक एक साथ सवार हो सकते हैं। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। फ्रांस के साथ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डील के वक्त भारत सरकार ने पहली शर्त इसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने की रखी थी और अब इसका फायदा मिलने जा रहा है। भारत कलवरी क्लास की जो 3 नई सबमरीन बना रहा है, इन पनडुब्बियों के निर्माण में भी फ्रेंच नेवल ग्रुप भारत की मदद कर रहा है। मझगांव डॉकयार्ड में बनने वाली पनडुब्बियों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली बनाने के लिए फ्रांस से तकनीकी मदद ली जा रही है, लेकिन सबमरीन को बनाने में इस्तेमाल होने वाली 60% तक सामग्री भारतीय होगी। कलवरी क्लास की 3 और स्कॉर्पियन क्लास की 3 सबमरीन के अलावा भारतीय नौसेना को बहुत जल्दी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन भी मिलने जा रही है। नाम है INS अरिहंत। बहुत जल्दी भारतीय नौसेना को INS अरिहंत के बाद अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत मिलने वाली है। इससे भारत की ताकत समंदर में कई गुना बढ़ जाएगी। INS अरिहंत अरिहंत क्लास की अपग्रेडेड सबमरीन है। इसके सभी समुद्री ट्रायल्स लगभग पूरे हो चुके हैं। 2024 के आखिर तक भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के भारतीय नौसेना को मिलने की पूरी उम्मीद है। दो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जब समंदर में उतरेंगी तो समंदर में पाकिस्तान और चीन दोनों की नौसेनाओं का खतरा मिट जाएगा। इसके अलावा हम रूस से तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी लीज पर लेने जा रहे हैं। ये 3 परमाणु पनडुब्बियां भारत के तीनों समुद्रों के लिए अभेद्य कवच बन जाएंगी। भारतीय सेना को नंबर 1 बनाने और 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए ऐसे अभेद्य रक्षा कवच जरूरी है। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एक निश्चित आयोजन प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा और इसी की वजह से आज देश
इस मुकाम पर पहुंचा है और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी।